नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोनी विधानसभा क्षेत्र में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका गुर्जर बहुलू इलाका है। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नंदकिशोर गुर्जर। आज उनके लिए वोट मांगने आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन के दौरान योगी सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई। अपने संबोधन में उन्होंने जो बड़ी बातें कही वो इस रिपोर्ट में हमको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो कही है कि ये जो चुनाव है ये 60% और 40% के बीच का चुनाव है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80% और 20% के बीच का चुनाव है, तो उप मुख्यमंत्री 60% और 40% के बीच का चुनाव क्यों कह रहे हैं? जब हमने ये सवाल उनसे किया तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। इसलिए अखिलेश यादव जी के दिमाग में जो भी चल रहा है वह तमाम सारे अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, जनसागर के नीचे का सूरज संरक्षण में रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, इसलिए मैं इनका सरदार कहता हूँ। और ये तरह तरह के सपने देखते रहते, कल्पनाएं करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और ये भय अगर श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को है कि ऐसा होगा तो वो भयभीत जरूर रहें, क्योंकि वो राजनीति का उनका युग अब समाप्त है। मोदी जी, एक सवाल है, राहुल गांधी ने दो भारत की बात कही, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को तो इलाज कराने के लिए सोनिया जी को भेजा सूरत से प्रत्याशी है रफीज अंसारी भी बोल रहे हैं कि 5 वर्षों में जो हिंदू गिरी हुई है वो हम निकालेंगे। देखिए, अभी आप चिंता मत करो, जितनी बहुत सारी दादागिरी निकल गई है ना, गुंडागर्दी निकल गई है, दंगागर्दी निकल गई है, वो इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं चुनाव आचार संहिता लगी है, हम इस समय कुछ ऐसी बातें नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन जो भी अपराधी है, जो भी दंगाई है, जो भी गुंडा है, माफिया है, भूमाफिया है, खनन माफिया है, नकल माफिया है, उन सब के खिलाफ सरकार की पहली नज़र रहती है, रहेगी। और 10 मार्च के बाद भी भाजपा की ही सरकार, उत्तर प्रदेश में कमल की ही सरकार फिर से बनने जा रही है। इसलिए यहाँ जो भी इस तरह के सपने देख रहे हैं, जो जेल के अंदर, कोई जेल के अंदर घूम रहा है, उनको सबको पता है भाजपा आएगी और भाजपा ही आएगी और उनके इन अपराधों के लिए उनको छपा नहीं। बसपा सुप्रीमो बयान दिया था योगी जी ने कि गर्मी निकाल दी जाएगी, उसके बाद अखिलेश ने बयान दिया है कि नौकरी की बात करनी चाहिए, तो फिर कर क्या कहेंगे सर? श्री अखिलेश यादव जी जैसे कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो 300 यूनिट बिजली मिली, लेकिन जब वो सरकार में थे तो बिजली 11,000 वोल्ट की लाइनों में भी यूपी के लोग कपड़े सुखाते थे, तो उनकी बातों में दम नहीं। उनके सरकार के समय जो भर्तियाँ हुई, उनके समय भ्रष्टाचार हुआ, वो 2.5 लाख भर्तियाँ कर पाए, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हमारी सरकार में 4.5 लाख से अधिक भर्तियाँ हुई और 1 रुपये की रिश्वत दिए बगैर हर युवा को नौकरी मिली है, तो भाजपा और सपा की तुलना नहीं हो सकती। वैसे भी समाजवादी पार्टी 10 मार्च को समाप्तवादी पार्टी होगी और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव हार रहे हैं। आपकी पार्टी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर, हम 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतने जा रहे हैं, 60% से अधिक वोट पाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने सबका साथ किया है, सबका विकास किया है, बिना भेदभाव के किया है, और 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा किया है, और जो भी सुरक्षित है उसमें हिंदू भी सुरक्षित है, उसमें मुसलमान भी सुरक्षित है। ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यूपी के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा की गारंटी है, तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन और चाहे वो सपा बसपा हो या भी इन्हीं के साथ है, अगर भाजपा उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है, तो सपा बसपा कांग्रेस लोकदल या सब उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी। तो आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने हमारे सवाल का क्या जवाब दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं उनके संबोधन की कुछ बड़ी बातें। आज मैं यहाँ पर यह कहने के लिए आया हूँ, अभी तो नंदकिशोर जी ने जो आपको गिनाया है वह तो 2017 से 2022 का टेलर था टेलर, और 2022 से 27 की असली फिल्म लोनी के विकास की आपको देखने को मिलेगी 10 मार्च के बाद, क्योंकि अब गुंडे अपराधी माफियाओं के सरदार थे, सरदार हैं, ये सरदार के सिवा कुछ नहीं हो सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बताइए, लोनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर गुंडों ने सर उठाने का साहस किया क्या? अपराधियों ने कोई अपहरण करने का साहस किया क्या? मेरी बहन बेटियों के साथ सुरक्षा को खतरा पैदा करने का अगर किसी ने साहस किया तो उसको नानी के कहते ना छट्टी का दूध याद दिला देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आप सब लोगों के सामने
ये वह अखिलेश यादव है। तो श्री अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, कहा था कि नहीं कहा था? और फिर जब उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उस वैक्सीन को लगवा लिया, बोलती बंद हो जाती हर बात पे, तो श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं कहता हूं कि ना इनको कोरोना का टीका पसंद है। मैं तो रोज माथे पे टीका लगाता हूं, बहुत लोग माथे पे टीका लगाते हैं, ना इन्हें कोरोना का टीका पसंद है, ना इन्हें माथे का टीका पसंद है। अभी तो आपने 2017 से 22 तक बहुत सारा गिरा डाले, मैं आया था उस समय प्रचार के लिए अध्यक्ष के नाते, मेरा पहला कार्यक्रम ही उस समय जिला अध्यक्ष थे नंदकिशोर जी, माननीय हमारे अमित शाह जी, जो उस समय मेरे मैं भी साथ में आया था, आपके दरवाजे पर कार्यक्रम हुआ था, कोई विश्वास नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार बन सकती है, यहां जो गुंडे हैं अपराधी हैं वो चुनाव में हार सकते हैं, लेकिन उन्हें जनता की ताकत का एहसास नहीं था, लोनी की जनता की ताकत का एहसास नहीं था, यूपी की जनता की ताकत का एहसास नहीं था कि यूपी की जनता की वह ताकत है कि ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों का सुपड़ा साफ कर सकती है। और आपने तीनों का सुपड़ा साफ करने का काम किया, 2014 में भी कमल खिलाया, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, 2017 में कमल खिलाया तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की यूपी में सरकार बनी, और 2019 में तो सारे विरोधी एक हो गए कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, कमल नहीं खिलने देना। क्या सारे विरोधी एक होकर के भी कमल का फूल खिलने से रोक पाए थे क्या? जोर से बताइए, रोक पाए थे क्या? अरे जब आप सब माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो और जवानों की जवानी की शक्ति लगी हो, तो कौन माई कलाल मेरे मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है? सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, क्या आप रोक पाएंगे क्या? नहीं। मैं जानता हूं ये कहते हम 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन गाजियाबाद में क्या किसी सीट पर समाजवादी पार्टी का खाता खुल रहा है क्या? जोर से बताइए, खुल रहा है? जब गाजियाबाद में खाता नहीं खुल रहा तो गाजीपुर तकवीर का खाता नहीं खुल रहा है। बेटा चल रही, बताइए माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार के माध्यम से लोनी सहित उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? दोनों हाथ उठाए बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और ये बेईमान लोग होते तो राशन नहीं केवल भाषण देते और जो आपको मिलना चाहिए लूट करके खा जाते। लेकिन गरीबों का मसीहा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको सबसे पहले किसका ख्याल रहता? गरीब का ख्याल रहता, मजदूर का ख्याल रहता, माताओं बहनों की सुरक्षा का ख्याल रहता, उनके सम्मान का ख्याल रहता। शायद लोनी में यह समस्या कम होगी, लेकिन माननीय मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या कभी मेरी माताओं बहनों को जिनके पास रसोई गैस नहीं थी उनके लिए कोई चिंता की गई थी क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को निःशुल्क रसोई का कनेक्शन दिया गया, गैस का सिलेंडर दिया गया, 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया, 43 लाख से अधिक गरीबों को मकान देने का काम किया गया, और लगातार अभी 80 लाख इस बार के बजट में और मकान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। गरीब को मकान मिले, गरीब को मकान मिले, ये सपा बसपा कांग्रेस वालों को बर्दाश्त नहीं होता, ध्यान रखना। गरीबों के जीवन में खुशी आए या इनको बर्दाश्त नहीं आता, वो चाहते हैं कि गरीब गरीब हो जाए और बर्बाद हो जाए, उसके जीवन में खुशहाली ना आने पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए सबसे पहले सोचती ही नहीं, उसको करती है, वो परिणाम आपके सामने। हमारी सरकार का संकल्प जो देशद्रोही है, देशद्रोही है, उस देशद्रोही को क्षमा करने का नहीं है।
लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करती थी, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का काम करती थी। मैं जानता हूं गाजियाबाद कलोनी का इलाका AK-47 की गोलियों की गूंज से सदा यहां दहशत का माहौल रहता था, कि नहीं रहता था। आप चिंता मत करना, अब किसी की औकात नहीं है। भाजपा की सरकार है, सपा की सरकार में गुंडों के इशारे पे पुलिस और प्रशासन को काम करना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे माफिया बिल में घुस गए कि नहीं घुस गए बताइए, और उनको बिल में पहुंचाने का काम अगर आपने कमर खिला करके नंदकिशोर गुर्जर जी जैसे हमारे 325 साथियों को विधानसभा में नहीं भेजा होता तो क्या यह इस काम हो पाता, क्या ये गुंडे समाप्त हो पाती क्या? भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आज इस मंच से कह करके जा रहा हूं, भाजपा ही सबका साथ सबका विकास करती, सबको सम्मान देती है, सबका आस्थान देती है, और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि भाजपा ही अगड़ा पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी है। त्रिवेणी यहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी प्रयागराज के कुंभ में स्नान करने जाते हैं तो सफाई करने वाले मेरे दलित भाई बहनों को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन पे बैठ करके उनके चरण पखारने का काम करते, उनके चरण धोने का काम करते। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले उनको सम्मान दे सकते हैं क्या? अगर अयोध्या के अंदर श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अगर डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी कमल की सरकार और प्रदेश में भी कमल की सरकार आपने नहीं बनाया होता तो क्या रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का स्वरूप आप देख पाते क्या? बताइए, देख पाते क्या? वर्षों से लड़ाई चल रही है जम्मू काश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए। अगर आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में फिर से सरकार नहीं बनाई होती तो क्या धारा 370 समाप्त हो जाती क्या? समाप्त हो जाती क्या? बताइए जोर से। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या ये ट्रिपल तलाक जो दीवार विपक्ष खड़ा करता है, आज मैं आंकड़े मंगवा रहा था मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार होता था, 5000 ट्रिपल तलाक के मुकदमे जिनका प्रताड़ना करते थे 5000 मुस्लिम महिलाओं ने मुकदमे दर्ज कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। हम भेदभाव करते तो क्या ट्रिपल तलाक का कानून लेकर के आते क्या? हमारी सरकार में गरीब गरीब एक समान है, किसान किसान एक समान है, मजदूर मजदूर एक समान है, बेटी बहन एक समान है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। हमारी सरकार ने भेदभाव नहीं किया। मैं 10 फरवरी को मतदान के लिए आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, लेकिन 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद परिणाम आ जाएगा। आप सबके आशीर्वाद से नंदकिशोर जी फिर से विधानसभा के सदस्य के रूप में कमल का फूल खिला करके यहां से पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं 10 मार्च के बाद एक दिन फिर आना चाहता हूं आप सबके लिए। बुलाएंगे बुलाएंगे, मेरी माताएं बहने भी बुलाएंगी, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए फिर आऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से कमल भी खिलेगा और आपका आशीर्वाद लेने के लिए मेरे मुझे बुलावा भी आएगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर यह गंदगी जो सपा बसपा कांग्रेस के नाम की है ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।